हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं भी शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ आसाम राइफल जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं सामने है, आप देख लीजिए, वहीं अभी मैं सामने हूँ। और ये जो हाईवे है ये डिब्रूगढ़ तक जाता है। तो अभी हम लोग एक पार्क हम लोग सर्च किए हैं नेट पर, जिस पार्क का नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या नाम था इस पार्क का, आ जाओ खुल जाओ। और वो पार्क काफ़ी अच्छा पार्क जो है, देखने में तो काफ़ी, मतलब कि यहाँ पर हम जहाँ तक नेट पर सर्च किए है उस पार्क का नाम है रिक्रिएशन पार्क एंड मेडिकल प्लांट्स गार्डन। रिक्रिएशन पार्क माने उसका नाम है। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे इसी रोड के माध्यम से, और ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कुछ ही दूरी पर है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलो ए रिक्रिएशन पार्क यहाँ पर लोकेशन है, 1 किलोमीटर है, अभी यहाँ से 12 मिनट रहेगा, पैदल जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर है ये। तो आप देख सकते हैं यहीं है रिक्रिएशन पार्क। तो चलिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं कहाँ से एंट्री होता है। सर यहाँ से एंट्री नहीं है, कहाँ से है? आगे से एंट्री है। ओके सर, ओके, ए आगे से एंट्री है। चलिए फिर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें भी दिखा रहा है, थोड़ा सा दूरी चलने का है। चलिए कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पर मोड़ बहुत ही खतरनाक है आसाम में। जगह भी पूरा सफा टर्न कर दिया है, आप देख सकते हैं, आप इधर भी देख सकते हैं कितना टर्न किया है। और इस पार्क का नाम तो बहुत ही खतरनाक है, रिक्रिएशन एंड मेडिकल प्लांट गार्डन। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जितना डेंजर नाम है उतना डेंजर इसके अंदर है कि नहीं। आपका क्या नाम है? केल्विन। केल्विन, केल्विन आपका नाम है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से। कौन से स्कूल? स्कूल का नाम क्या है आपका? हाईमुख। क्या? हाईमुख। हाईमुख, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आपका नाम केल्विन है? ओके केल्विन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अंकल रिक्रिएशन का यही है क्या एंट्री? रिक्रिएशन पार्कवा का एंट्री यहीं से हो रहा है क्या? अंदर जाके घूमने का यही है। ओके अंकल, चलिए यहाँ पर तो रिक्रिएशन तो कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए हमको पूछना पड़ा यहाँ पे क्या। हाँ लिखा है रिक्रिएशन लिखा है, हम ध्यान नहीं दिए। इंट्रेंस यहाँ हम ऊपर वाला पढ़ लिए थे, इंट्रेंस टू रिक्रिएशन लिखा हुआ है। आओ आओ आओ, इस बच्चे से हम लोग बात करते हैं, कुछ पूछते हैं। बिहार का लग रहा है? नहीं, एकदम आसामी है ये बाबू। हेलो, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? यूए। यहीं पर आपका घर है? मेरे घर तो ये है यहाँ पर। कौन ये वाला आपका घर है? आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। क्यों, कौन से क्लास में है? हाँ? कौन से क्लास में? टू क्लास में है। आप साइकिल चलाते हैं, इतना खराब ये गली है, गिर जाएंगे तब चोट लग जाएगा ना। अच्छा जगह पे चलाइए और रूफ अब बैठ के खेलिए। अभी आप बच्चे हैं, साइकिल चलाने योग्य नहीं है, ठीक है? हाँ। बैठ के उधर खेला करिए, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, इधर एक पार्क है ना, हाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। और वो देखिए उधर घर है, वाव अमेजिंग घर, एक से एक बढ़ के एक, और एक से एक जगह पे, एक से एक लोकेशन में है। और यहाँ पर एक गाय मिली देखने के लिए, एकदम हम लोग मैंने देहात क्षेत्र में आ गए हैं सिटी छोड़ करके, ये तो कंफर्म है रियली। टिकट भी लगता है क्या? हाँ। दे दीजिए सर एक, एक कितने? दो 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 दे दीजिए, एक का 20 रुपया। हाँ। कितना देर के लिए? पूरा दिन के लिए, 4 बजे तक। कितना लंबा है सर ये? जाके देख लिया। अरे देख लो, खुला रखे हो? नहीं, 100 का। चलो मैं दे दे रहा हूँ, उधर भी है थोड़ा सा और इधर। ओके सर, ओके। वीडियो ऑडियो बनाने का अलाउ है ना? अलाउ है। ओके सर, ठीक। वो 10 रुपया है ना? हाँ। ये तो ओके सर, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये सभी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं कार से, क्योंकि थोड़ा अंदर आना पड़ता है ना। पार्क के अंदर में एक ये छोटा सा दुकान मिला, और वो एक छोटा सा दुकान मिला खोपचा में। तो चलिए कुछ खरीदते हैं। ये कौन सा अंडा है? ये वाला बॉयल के, मैंने ये तो, इसका रंग तो अजीब लग रहा है, वाइट नहीं है इसका कलर, वाइट रहता है ना। तो ये कुछ दूसरा, ये कुछ दूसरा अंडा होगा ना तब तो, कि बॉयलिंग करने पे। अच्छा, मतलब बॉयलिंग करने पे ऐसा हो गया है क्या? हाँ, तेल। हाँ, तेल।
अच्छा अच्छा, तेल फिश में बॉइलिंग किया जाता है, कौन सा तेल, कौन सा तेल है? तेल से नहीं, ये तो पानी से। अच्छा, अभी इसको किसे किया गया है? छोड़िए, कोई कोई नहीं, ऐसे ही हम लोग आए थे, तो कुछ ले लो कुछ। नहीं, ये यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ ले लो यार, यहाँ बात की, कुछ ले लो, परचेज कर लो यार। तो यहाँ पे कुछ पार्टी फार्टी चल रहा है मेरे को लग रहा है कि। एक ले लो, चार ले लो, चार क्या करोगे, एक ले लो, बात करने की वजह से एक ले रहे हैं। ये एक छोटा सा पुल है और उधर क्या हो रहा है, पिकनिक हो रही है, उधर शायद पिकनिक मन रहा है। तो और कुछ बोलना चाह रहे थे तुम? और ये नहर है, यही नहर है, नहर का पानी क्रॉस करने के लिए ये छोटा सा पुल बनाया गया है। चलो ना थोड़ा, चलो ना, आओ ना, आओ ना इधर। और ये हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है? ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है, और इनके साथ हम लोग असम राइफल के जगह पे आए हैं यहाँ पे, और ये भाई के साथ थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। और क्या बोले, अच्छे, काफी अच्छा नजारा यहाँ का अच्छा देखा जाए तो। इसको दिखाओ। असम राइफल, जो हम लोग ऐसा मतलब मौका मिला हम लोगों को इधर घूमने उमने का भी। ये पॉलिथीन अलाउ नहीं है अंदर भाई, पॉलिथीन अलाउ नहीं है, लिखा हुआ था वहाँ पे। चलो इसको मैं बैग में डाल दूंगा, बाद में खाएंगे इसको, थोड़ा मैं आईफोन क्योंकि जब हम लोग खूबसूरत जगह पे आए हैं तो इसकी खूबसूरती बिगाड़नी नहीं चाहिए। हाँ जी, है आए हम लोग, इसका आनंद लेते हैं, काफी अच्छा जगह पे है, नो पॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे और वायु जो है एकदम मैंने प्रदूषित है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं वाकई में बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे एकदम पॉल्यूशन नहीं है, एकदम यहाँ का वातावरण एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ है। अब पता नहीं यहाँ पे CNG की वजह से जो गाड़ियाँ चलती है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलती है इस वजह से, या फिर असम पहाड़ी इलाका पड़ता, पेड़ पौधे हैं इस वजह से, काफ़ी हद तक इसी वजह से। और ये अच्छा भी है और ये प्राकृतिक का सौंदर्य बचा के रखे हुए हैं अभी तक। वो देखिए काफी अच्छा नजारा है यहाँ पे, ब्रिज का पानी सूखा हुआ। आई थिंक द प्लेजर ऑफ द क्रिएशन करके कुछ नाम था इसका, अरे नहीं यार, रिक्रिएशन करके नाम था, रिक्रिएशन पार्क, काफी खूबसूरत है यार यहाँ का नजारा, रिक्रिएशन पार्क। और ये इसमें मछली, कौन वाला, इसमें मछली है क्या होगी? नहीं यार मछली नहीं है, मछली नहीं तो मेढक तो जरूर होगा, मेढक तो पाए ही जाते हैं। चलो ये देखो तो ये कौन सा फूल है, ये वाला, ये घास है दुबी जो जमीन में उगाया जाता है, बस इसकी खासियत ये है कि इसे अच्छे तरीके से पेड़ पे कवर किया गया है। हाँ, इसको और इसको तो मशीन कराते हैं ना ये वाला। हाँ, ये मशीन से कटर से काटा हुआ है, काफी खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत अच्छा। चलो ना दादा आगे चले, आगे चलेंगे, देख लेना रास्ता नहीं हो तो फिर बाहर निकलेंगे। और उधर ऊपर दिखाओ ना, ऊपर वो सब बांबू है, बहुत सारा बांबू है, आप ये देख सकते हैं, बांबू है, अगर आपको लेना है तो हमसे संपर्क करें। और ये कौन सा है, ये वाला, ये है एक्चुअली जंगली पेड़ है, लेकिन इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसको पार्क वर्क में लगाया जाता है, पर्सनलाइज। तो ये भी काफी स्क्रीनशॉट होता है ना, स्क्रीनशॉट हाँ होता है, बस इसमें अपना वीडियो भी बनाते रहे, जो अच्छा लगेगा अपना चैक कचैक बंद करो, कोई वीडियो कोई बंद करो, बस बताओ तुम। ये यहाँ से रास्ता ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा ये रास्ता ब्लॉक है, जंगल के पूरा, अब इधर ब्लॉक, हाँ इधर रास्ता ब्लॉक है, जंगल और पहाड़ ही आपको देखने के लिए इधर मिलेगा, उधर जाना अलाउ नहीं है। अलाउ किया जाएंगे तो हम ही लोग का घाटा नुकसान, ऐसे मत घुमाओ, घुमाओ मत, घुमाओ मत, आओ इधर लेके आओ ना, अब इधर लेके इधर थोड़ा दिखा दो एक बार, उसके बाद वीडियो को ऑफ कर रहे हैं। और ये हम लोग अब इधर का हो गया, हम लोग इधर घूम चुके हैं, जो पार्क का और नहर था उसके बाद अब हम लोग बैम्बो, एक वो बैम्बो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ऊपर, इसी का नाम है रिक्रिएशन और मेडिकल प्लांट, मेडिकल प्लांट, अच्छा वो मेडिकल ही प्लांट होगा हमको जहाँ तक लग रहा है कि जी, ये सब ही मेडिकल ही प्लांट लग रहा है, जो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है ना, समझो कि मेडिकल ही प्लांट है जी। ठीक है, और भी इधर होगा, चलो मैं हाथ में ले लेता हूँ, और यहाँ पर नारियल भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं हम लोग को,
और ये कौन सा पुल है इसको, तो इसका तो मैं नाम जानता हूँ, इसका क्या नाम था, ये ऐसे ही लगाने के अच्छा लगने के लिए जो घर के पास लगाया जाता है अपनी खूबसूरती के लिए लगाई जाती है। मेरे को नाम उसका पता था, याद नहीं आ रहा है। तो चलो यहाँ तक तो लास्ट हो गया, यहाँ तो क्योंकि आगे भी देख लीजिए बांस घेरा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ से अब बाहर। जो काफी अच्छा लगा यहाँ पर आगे पॉजिटिव फीलिंग के साथ में। अब हम देखो वो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से हम लोग को इधर जाने का है। अब हम लोग उधर से इधर निकलेंगे पहाड़ की तरफ। अब लोग हम इस गेट से अब अंदर चलते हैं, अभी इधर ऊपर चलिए इधर देखते हैं हम लोग कैसा कैसा सीन है। पर चढ़ते वक्त ये कुछ ऐसा सीन काफी खूबसूरत दिख रहा है। तुम्बक है ये, इसको तुम्बक बोला जाता है, टेम्पल टाइप का। हाँ। टेम्पल, चलिए अंदर जाके, ये एक वेल है, कुआं है, देख सकते हैं काफी अच्छा। और इधर अंदर ऐसा कुछ व्यू है, आप इधर देख सकते हैं कुआं। ये बाम्बू का बना हुआ होता है का, टोटली ये बाम्बू का बना हुआ है, हम देख सकते हैं सॉलिड है। और इधर ये ऐसा कुछ भी, चलो उधर से बाहर निकलेंगे जाएंगे। आप घूमिए हमारे पास, तो वे एक मिनट आओ उधर से घूम के आएगा, उधर से तो आप रहिएगा ना। हाँ रहेंगे, लेकिन पता है लेकिन एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, कराकटे रहता है घर में भी, उधर भी झोपड़पट्टी में कराकटे रहता है, कराकट नहीं बाम्बू, उसके बत्ता रहता है, उसके ऊपर गद्दा रहता है, फिर बत्ता उसके ऊपर कराकट रहता है। और थोड़ा एक वेल की जाए इधर, चलो इधर एक ऊपर भी झोपड़ी है क्या वहाँ पे, ऊपर जाने लायक हुआ था ना। हाँ। जाने वाला तो है, ऊपर भी झोपड़ी है, तो यहीं से ना हम लोग नीचे फोटो क्लिक कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ से भी ऊपर है, फिर यहाँ से भी ऊपर है क्या, काफी लंबा है, काफी बड़ा है ना। ये देखिए, ये देखिए पहले, ये देखिए यहाँ पर असम का बाम्बू इस प्रकार के है। देखिए हम तो ऐसा बाम्बू नहीं देखे थे, इतना ज्वाइंट ज्वाइंट पर ये ऐसे है, तो इधर का ऐसा कुछ बाम्बू है आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो बाम्बू है, इस पर बहुत सारा नाम भी लिखा हुआ है, हॉट का यहाँ पे चित्र भी बनाया गया है, पता नहीं क्या क्या, अलग की इधर आसामी नाम है ना सब, तो कुछ कुछ लिखता रहता है, AMRIT कुछ ऐसे। देखिए ये एक वेल है छोटा सा, और ये इतना गड्ढा में है, और इसमें मोटर भी फिट किया गया है आप देख सकते हैं ये वायर द्वारा, तो उधर भी वहाँ पर भी एक लग रहा है कि यहाँ पर मोटर लगा है पानी होने के लिए, पूरा पानी का सप्लाई यहीं से होता है देख सकते हैं। हाँ आओ इधर से एक बार, और इधर वो थोड़ा चलो, तो देखिए उधर घोर कैसा बनाया गया है यार, अजब तरीके से बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं, हम लोग दिखाते हैं आपको वो, अब लकड़ी का है कि किस चीज़ का है पता नहीं, वो जिस पर घर को खड़ा किया गया है, अब जाने के बाद ही चलेगा पता। और ये कुछ ग्रेफ है, आओ ना इधर, ओ माय गॉड, ये तो बाम्बू पर ही खड़ा किया गया है, मजबूत मजबूत लकड़ियों पर आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए लकड़ी पर ये घर खड़ा किया गया है। और ये भी लकड़ी ही है, नहीं ये लकड़ी नहीं, ये लकड़ी नहीं है, देखिए ये तो लकड़ी ही है, ये भी लकड़ी है, इसको एथो किया गया है, देखिए लकड़ी ही है। और ऊपर भी देखिए उसमें भी लकड़ियाँ लगाया गया है, लकड़ी लकड़ी है, गजब का बनाया गया है। अब अंदर जाके देखते हैं, देखिए इधर से क्लियर नहीं दिख रहा है, इधर से दिखेगा, देखिए इधर ये पूरा लकड़ी पर ही तैयार किया गया है आप देख सकते हैं, अंदर ही पूरा लकड़ पर ये घर को खड़ा किया गया है, काफ़ी लेकिन खूबसूरत लग रहा है घर, घर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर ऐसा ही इधर घर ही मिलेगा देखने के लिए। और किधर हो तुम, आप घर भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। और इधर ये नारियल का पेड़ है, ये वाला ये नारियल का है, काफ़ी इधर ज़्यादा है। और चलिए इस सीढ़ी के माध्यम से हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, ये देखिए ये बाम्बू का ही सीढ़ी है, बाम्बू का ही है ये सीढ़ी, तो चलिए ये रियली में बाम्बू ही है या सीमेंट वाला है, गजब का है ये यार देख सकते हैं। इधर गेट देखिए, गेट भी बाम्बू का है, पतला पतला बाता फाड़ के बनाया गया है, नाइस अमेजिंग लग रहा है हाउस। इधर जंगल, जंगल के बीच में रहना कितना अच्छा लगता है, किधर जा रहे हो, इधर आओ ना, और ये नारियल तोड़ना। तो ये आप हाउस देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत सारे बाम्बू से मिलके ये बनाए गए हैं। गेट भी देखिए एकदम खूबसूरत लग रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नारियल का पेड़ है, दो तीन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर बहुत सारे जंगल है, वाह अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मास्क यहाँ पे बहुत जरूरी है, इसलिए मास्क मैं लगा के रहता हूँ। तो आओ यहाँ पे एक रील बनाते हैं, आओ ना, कौन है वो,
दुख है यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो एरिया है ना थोड़ा सा गाँव गाँवटी जो पड़ जाता है ना थोड़ा उधर रहने होने का दिक्कत हो जाता है। वहाँ मतिपुम पर गया? नहीं वहाँ पे अभी नहीं गया। वहाँ तरलंग सो फेस्टिवल अभी हम जाने वाले हैं उधर, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा हाँ, तो इधर देखे इधर हम लोग मैप पे देखे ना मैप लोकेशन पर तो काफी इधर अच्छा लगा, तो सोचे कि चलो हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। वो कार्बियांगलोंग फेस्टिवल है। तो इधर आपका गांव कहाँ पड़ेगा? मेरा गांव वो जगह का क्या नाम है? क्या है? बुगीजान। बुगीजान अजब अजब का नाम रहता है यार इधर गाँव का। अब क्या नाम क्या पड़ेगा? क्या मेरा गाँव नाम आपका नाम क्या है? मिरसोन तोकबी। क्या फिर से बोलिए? मिरसोन MIRSON। मेरी फोन तक भी ओके ओके। बहुत मतलब और लगता है आप लोग का नाम अजीब तरीका का आता है। और उनका नाम क्या है? पिनचोंग था। पिनचोंग क्या क्या है? क्या पिनचोंग? पिनचोंग देखते हैं दोस्तों का जब का नाम है पिनचोंग। ठीक है हम लोग जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ओके नाइस टू मीट यू। तो चलिए अब हम लोग उधर तो पूरा घूम ही लिया, उधर पूरा पूरा देख ही लिया, आप लोग पीछे ब्लॉग में देखे होंगे। अब इधर हम लोग अब लग रहा है कि लाफ्ट ही होने वाला है, लेकिन अब हम लोग का मन भी उब गया घूमते घूमते। और ये देखिए एक छोटा सा एलिफेंट गेट देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग इधर से थोड़ा ये चलो ना थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग। चलिए इधर यहाँ पे चलते हैं ऊपर। नरियलवा का पेड़वा है वो, यहाँ पे हमको लेके जाने का मन कर रहा है। लेके चलेगा उखाड़ के जैसे भी बोलना पड़ेगा बोल रहा हूँ। चलो एक बार उधर से यहाँ पे हम लोग उधर घूम लेंगे। ठीक है ये डब्बा कहता है यूज मी, मुझे यूज करो, लेकिन कोई इसको यूज नहीं करता, डिस यूज करता। तो चलिए बहुत देर तक घूमने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उधर बैठते हैं, उधर बहुत सारे लोग उधर फोटो क्लिक कर रहे हैं। बस इतना बताना था मेरी जान कि राजा बिना रानी के भी राजा ही होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसा ही ये नक्शा में दिखता है। आप देख सकते हैं ये सब जगह का मानचित्र बनाया गया है सीमेंट वाल से। देखिए उधर उस पर बैठा हुआ है, हम इधर बैठे हुए हैं, इसमें वेट बहुत कम है, मेरे को नहीं झुला पाता है, उसको मैं झुला रहा हूँ। और इधर देखिए इधर सब लोग इधर खेल रहा है, आप इधर देख सकते हैं। तो झुलवा लगले खाली होगा तो हम लोग भी उसे अटेंड करने के लिए पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं उधर झूला भी उधर खाली होने का नाम नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए वो सब उधर नाटक कर रहा है सब। अभी बैठी है चलो हम लोग तुम वीडियो बनाओ तब तक। चलो हम लोग दोनों बैठेगा भाई। हाँ आ जाओ ना। लो मैं बैठ रहा हूँ। हम लोग दोनों बैठे कैसे कैसे? ये इस बैग को रखना। नहीं ऐसा बैग भी चलेगा ना? बैग भी चलेगा। हाँ कैसा ऐसा हिला नहीं कर देगा? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा उधर जो तीन ठो है उधर भी अभी बहुत सारा पार्क है घूमने का है, लेकिन अब हम लोग नहीं घूमेंगे, चलेंगे हम लोग उधर खाना वाना खाना है अभी ना। तो पार्क बहुत लंबा है, बहुत देर से हम लोग घूम ही रहे हैं, लेकिन चलिए हम लोग बाहर चलेंगे यहाँ पे। चलिए रुको यार हमको नहीं आने दोगे का? चलिए फिर चलते हैं।